चंडीगढ़ ए प्लांट सिटी ऑफ इंडिया, एक नियोजित शहर, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये शहर कुछ अन्य कारणों से मशहूर हो रहा है। आइए मिलते हैं गुलाटी फैमिली से और जानते हैं कि आखिर मसला क्या है। अजी सुनते हो, 10:07 बजने को आए और अभी तक खराटे मार रहे हो, उठो। क्या मम्मी, मेरी अभी अभी तो आंख लगी थी। अरे मल्होत्रा जी आते ही होंगे, आपको मॉर्निंग वॉक नहीं जाना है? उसे मना कर दो। रिटायर क्या हो गए ना आप, तो बस आलसी हो गए हो। ऐसी कोई बात नहीं पम्मी, लेकिन मेरी नींद ही पूरी नहीं होती। रात भर खुद तो सोते नहीं हो और मेरी भी नींद डिस्टर्ब करते हो। पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ की कोई टेंशन है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा बेटा बहू दोनों कमा रहे, नो वरीज। ओके ओके। हाँ लेकिन मैं देख रही हूँ रात रात भर बाथरूम की लाइट चालू ही रहती है। भगवान, अपनी तहकीकात बंद करो और मुझे फ्रेश होने जाने दो। भगवान, अब तो एक कप चाय पिलाओ। चाय और नाश्ता रेडी है, बस आपको डाइनिंग टेबल पर आना होगा। हाँ हाँ, होम मिनिस्टर की बात कौन टाल सकता है। लो जी मैं आ गया। ये लो जी। यहाँ बैठो जीते की माँ, साथ साथ बैठ के चाय पीते हैं। छड्डो जी, क्या फिर शुरू हो गए? आप ना इत्मीनान से पेपर पढ़ो, नाश्ता करो और हेडलाइन मुझे सुना देना। हाँ ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा नाश्ता मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। और ये गर्दन क्यों बार बार मोड़ रहे हो, कब से देख रही हूँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बाद में मालिश कर दूंगी। तुसी मेरा कितना ख्याल रखते हो। मेरी तारीफ करना बंद करो। अरे बच्चों को जगाना है, उनको जल्दी ऑफिस पहुँचना है आज। सिमरन बेटा उठ जाओ बेटा। हाँ मम्मी जी, हम तैयार हो रहे हैं। ओके जी, आ जाना। हाँ हाँ जी, अभी बोलो। ये पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे तो लग रहा है आपके गर्दन की तकलीफ और चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। हो सकता है। कोई गल नहीं है, मैं अभी मालिश कर देती हूँ। थैंक यू, तुसी मेरा कितना ख्याल रख दे। दिखाओ। हाय रब्बा, ये आपकी गर्दन पे काले दाग कैसे? मुझे क्या पता। अरे देखो तो सही। आई डोंट नो। अरे अपनी गर्दन पर तो देखो। तुम क्या बोल रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। आप ना अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। मुझे कौन सा टीवी सीरियल में काम करना है। लो कर लो बात, ये कोई बात हुई, आज के आज आपको स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर अरोरा के पास जाऊंगा, वो अपने फैमिली डॉक्टर, वो फीस कम लेते हैं स्किन स्पेशलिस्ट से। बात को समझा करो। गुड मॉर्निंग पापा मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग। पापा ये क्या बहस हो रही है आप दोनों में? कुछ नहीं बेटा। जी मम्मी, आप ही बताओ माजरा क्या है, आप सुबह सुबह पापा को डॉक्टर के पास क्यों भेज रही हो? देख ना पुत्र, तेरे पापा के गर्दन पे काले दाग है। क्या? हाँ पापा, ये सब क्या है दाग? आई डोंट नो। तेरे पापा ना किसी बात को सीरियसली लेते ही नहीं है। अभी मेरे खिलाफ मोर्चाबंदी बंद करो प्लीज। हाँ पापा, मम्मी सही तो कह रही है, आपको स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना ही चाहिए। हाँ पापा। ओके बाबा, आई प्रॉमिस आई विल गो टू डॉक्टर अरोरा टुडे। अब मुझे घेरना बंद करो और जल्दी जल्दी ऑफिस जाओ, ऐसे भी आपको लेट हो रहा है। ओके पापा, टेक केयर। टेक केयर पापा जी। मम्मी चलता हूँ। ओके बेटा। स्वीट हार्ट चले। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। आइए आइए राजेंद्र जी, बैठिए। क्या हाल चाल है?
बस सब ठीक है। कैसे आना हुआ? मेरे स्किन पे दाग आ गया है, यहाँ गर्दन पे। अच्छा, अभी देख लेता हूँ। और भी कहीं है? बगल में है। अच्छा, सेम टाइप? जी हाँ। ये एक तरह का स्किन पिगमेंटेशन है, जिसे हम लोग एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। कोई बड़ी बात है क्या? नहीं नहीं, ये कोई चिंता की बात नहीं, ये शायद डायबिटीज के शुरुआत के लक्षण है। तो मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ। शो मी द रिपोर्ट्स टुमारो इवनिंग। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं कल आता हूँ। बिल्कुल। मिस्टर राजेंद्र गुलाटी साहब हैं? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। उनके नाम का रजिस्टर लेटर है, मैं आपको जानता हूँ, आप ले लीजिए लेटर। हाँ ठीक है, और यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। अरे भैया क्या हुआ? मैडम जख्म हो गया है। हाँ, कब से है जख्म? 2-3 महीने हो गए मैडम। 2-3 महीने? हाँ मैडम, 2-3 महीने हो गए। ड्यूटी में चलना पड़ता है, इसकी वजह से लगता है ठीक नहीं हो रहा। लेकिन ये तो ठीक बात नहीं है, आपको जख्म भी है, चक्कर भी आ रहे हैं। एक काम करो, हमारे कॉलोनी में डॉक्टर अरोरा है, उनके पास जाके दिखा दो। मैं उनको जानती हूँ, मैं फोन कर दूंगी। ओके मैडम। और वो जो भी ट्रीटमेंट बोल रहे हैं ना, ले लेना। ठीक और है। बाद में मुझे बता देना। हाँ नमस्ते, नमस्ते मैडम। आराम से जाना। जी मैडम। हाँ, और गेट भी बंद कर देना। हेलो पापा। आओ। कैसा था आज का दिन? क्या बताओ पापा, एमएनसी में काम करते हैं, सैलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन काम बहुत ज्यादा करवा लेते हैं, है ना जी? हाँ पापा, सिमरन ठीक बोल रही है। अरे तुम लोग कब आए? बस अभी मम्मी। हम बस निकल ही रहे थे। कहाँ और इतनी रात को? अरे वो मिस्टर मल्होत्रा है ना, उनके घर में जागरण और पाठ है, वही जा रहे हैं मैं और तुम्हारे पापा जी। तुम लोग भी चलो ना हमारे साथ। हाँ हाँ, प्लीज यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस। पापा हम लोग बहुत थक गए हैं, आप लोग होके आइए ना प्लीज। हाँ हाँ पापा, प्लीज एक्सक्यूज अस। कोई गल नहीं है, तुम लोग आराम करो, मैं और तुम्हारे पापा जी होके आएंगे। थैंक यू मम्मी जी। ओके जी, चलिए हम लोग चलते। चलो जी। ये क्या सिम, तुमने मम्मी पापा को सीधे मना कर दिया, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। आज मैं सच में बहुत थक गई थी। ओके स्वीट हार्ट, इतनी दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ ना। थैंक्स हनी, आज मैंने पूरी तैयारी की है। तैयारी मतलब क्या? फ्रिज खोल के देख लो। फ्रिज में? ओके। वाओ, हमारी फेवरेट रेड वाइन। पहले वाइन पीते हैं और फिर फुल मूड बनाते हैं। थकान तो एक बहाना था जागरण में नहीं जाने का। सिम तुम सच में कमाल हो। हाँ, हाउ रोमांटिक, लेट्स हैव सम सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक। हाँ
तुम, मैं और रेड वाइन। सिम, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज मुझे सिर्फ रिलैक्स होना है। यू आर जस्ट अमेजिंग। ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है तुम ज्यादा स्वीट हो या ये रेड वाइन। ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ सिमरन? ये हाथ तुम वहां पे फेरते हो और यही हाथ मेरे फेस पे। सिमरन, आई एम सॉरी। सिमरन सिमरन, अभी तुमने मम्मी पापा को बाहर जाने के लिए मना किया, अब तुम इतना नाराज हो रही हो। आई हैव अ रीजन। तुम बार बार नीचे हाथ लगाते हो, वही हाथ सबके सामने भी लगाते हो, अकेले में भी लगाते हो, और फिर वही हाथ मेरे फेस पे फेरते हो। आई एम सॉरी सिमरन, मुझे माफ कर दो। जस्ट डिस्गस्टिंग। सिमरन साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, मुझे शक है कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। क्या? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। लेकिन सिम बात तो सुनो। सिम, आई एम सॉरी। सॉरी स्वीट हार्ट, प्लीज मान जाओ। सब जानती हूँ, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। सिम, कौन सा अफेयर और किसके साथ? जब तक तुम अपना चेकअप नहीं कराते ना, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। सिम, ये तुम्हें क्या हो गया? तुमने सारा मूड बिगाड़ दिया। मैंने नहीं, तुम्हारी हरकतों ने बिगाड़ा है। अच्छा बाबा, मुझे माफ करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कल ही डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाऊंगा। अब तो मान जाओ। जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगे? हाँ सिम, लेकिन अभी मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा करो। You are my sweetheart. सिमरन, मैंने जितेंद्र का पूरा चेकअप कर लिया है अच्छे से। जांग में थोड़ी सी फंगल इन्फेक्शन है, उसका इलाज मैं कर दूंगा। डॉक्टर, ब्लड टेस्ट वगैरह कराने की जरूरत है क्या? जी हाँ, वो डायबिटीज के लिए, और कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। रिलैक्स। थैंक यू डॉक्टर। पर डॉक्टर, मुझे और डायबिटीज, हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे शक है। लेकिन डॉक्टर, इनकी ये आदत, इट इज वेरी एम्बैरेसिंग। फंगल इन्फेक्शन है ना, इसमें बहुत इचिंग होती है। देखा सिमरन, मुझे बीमारी कुछ और है और तुम्हारे दिल में शक कुछ और। आई एम सॉरी। इट्स ओके। बेटा सिमरन, मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूँ और दूर का रिश्तेदार भी। मैं बचपन से जानता हूँ जितेंद्र को, इज अ वेरी गुड बॉय। तुम ऐसा वैसा ख्याल कुछ मत लाओ, अपने दिल को साफ कर लो, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर। जीत के डायबिटीज का टेस्ट तुम करवा लो मेरे लैब से, बाकी फंगल इन्फेक्शन का इलाज मैं अभी शुरू करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। आप आज भी नहीं गए ना डॉक्टर के पास? कल चला जाता हूँ। आज क्या कल क्या, की फर्क पैंदा है? मैं देखती हूँ। हेलो मम्मी। हेलो। हेलो मम्मी। आ जाओ आ जाओ, देखो आ गए। क्या कहा पुत्र डॉक्टर ने? मम्मी, वो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखी और बताया कि मुझे डायबिटीज की बीमारी है, लेकिन अभी शुरुआत है, डेली दवाई खाने से ठीक हो जाएगी। टेंशन की कोई बात नहीं है मम्मी जी, सब ठीक है। बस थोड़ा सा सुबह शाम वर्कआउट करना होगा और डाइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बाकी सब नॉर्मल है। शुक्र है रब दा। पर ये क्या पापा, आप डॉक्टर से मिलने क्यों नहीं गए? अब उन्होंने आपको कल बुलाया है, ये मैं आपकी रिपोर्ट लेकर आया हूँ। और मम्मी, डॉक्टर ने बताया कि पापा की भी डायबिटीज की शुरुआत हो गई है, डॉक्टर अरोड़ा इन्हें अलग से दवाई देंगे। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? हाय रब्बा, मेरे पुत्र को डायबिटीज, मेरे पति को डायबिटीज, और ये खबर? नॉट सो स्वीट। दोस्तों, बात सिर्फ गुलाटी फैमिली या उस पोस्टमैन की नहीं है,
जिनमें डायबिटीज पाई गई। चंडीगढ़ में डायबिटीज एक आम बीमारी है और उसी वजह से कुछ साल पहले चंडीगढ़ वॉज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज इन इंडिया। ये बीमारी अपना असर सारे भारतवर्ष में दिखा रही है। इस बीमारी का पुख्ता इलाज तो है, लेकिन सिर्फ दवा और इंजेक्शन से काम नहीं होगा। इस बीमारी को काबू में करना है तो लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना होगा। रोज कसरत करनी होगी एंड से नो टू रिफाइंड शुगर, जंक फूड और फिजी ड्रिंक्स। डायबिटीज एक तेज रफ्तार से बढ़ने वाली महामारी, अगर हमने इसे नहीं रोका तो वेरी सून इंडिया विल बी द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज एंड दैट न्यूज इज नॉट सो स्वीट, नॉट सो स्वीट, नॉट सो स्वीट।